अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु श्री साई कथा के पहले दिन आज तो कथा अपने विराम की ओर बढ़ रही है। कथा के पहले दिन मैंने जिक्र किया था कि कथा वो होती है जो प्रश्नों के उत्तर भी देती है और साथ में नए प्रश्न भी खड़े करती है। और बाबा की इजाजत से ये छूट भी दी गई थी कि जिसको यदि मन में कोई दुविधा हो, संशय हो, तो अपना प्रश्न, उसका हल इस पीठिका के माध्यम से जरूर मांग सकते हैं। सोनीपत का एक प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ पहले ही दिन जिक्र किया था कि साईं शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। कैथल में भी लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। एक प्रश्न यहां आया हुआ है, मेरे पीठिका पर रखा हुआ है। प्रश्न मैं पढ़ करके सुना रहा हूं आपको। प्रश्न है या चिट्ठी है मुझे नहीं पता। लेटर टू साई, साई के नाम पाती। डियर साई, प्यारे साई, I want to begin the journey of transformation of becoming the one you want me to become. मैं उस यात्रा को शुरू करना चाहती हूं, चाहता हूं, जिसमें मैं वो बन सकूं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। Through the stories narrated and many other sources, you have always explained me the behavior I should opt for. आपकी लीलाओं और कथाओं के श्रवण से मुझे हमेशा एक बात समझ में तो ये आती है कि आप मुझे कैसा बनाना चाहते हैं। Your big list of do's and don'ts creates a kind of confusion in my mind. आपके कथा और लीलाओं के श्रवण में ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए सुन करके मेरे मन में दुविधा उत्पन्न होती है। Through this letter, इस पत्र के माध्यम से, I request you to please show me the starting point of the way you want me to follow. मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे वो बिंदु बताएं जहां से मैं अपनी इस यात्रा को, अपने आप को बदलने वाली यात्रा की शुरुआत कर सकती हूं। बड़ा लंबा लेटर। Also, please provide me the guidance to overcome the barriers. कृपया मार्ग के अवरोधों से बचने का तरीका मुझे सुझाएं। My negative qualities, excessive sleep, ego, laziness, fear. मेरी नकारात्मक वृत्तियां, अधिक सोना, अहंकार, आलस्य और भय। So that I am able to continue on your path and reach the goal of my life. ताकि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं और अपने गोल को, अपने ध्येय को प्राप्त कर सकूं। आपने रास्ता पूछा है, आपने समय पूछा है
और अपनी नकारात्मक वृत्तियों से कैसे पार पाया जाना चाहिए? पहला प्रश्न है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां? हमने परसों नरसों की कथा में शायद जिक्र किया था कि ओवरकम टाइम एंड ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज नाउ, ओवरकम स्पेस एंड ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज नाउ. समय और स्थान से ऊपर उठ करके जो कुछ भी सत्य है वो सत्य है अभी और यहां. इसके अलावा कोई सत्य नहीं. कल ऐसा हो गया था वो खत्म हो गया, कल ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. गुजरे हुए कल का आप कुछ कर नहीं सकते, आने वाले कल का आप कुछ कर नहीं सकते. तो बचता क्या है? प्रेजेंट. और ये जो प्रेजेंट है ये भगवान की अनुपम गिफ्ट है, उपहार है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा गया है. तो जब सुधरने की इच्छा मन में जागृत हो जाए तो अभी और यहीं पर सुधार के लिए अपना मन बना लीजिए. और अधिक सोना अहंकार भय और क्रोध. सोना अच्छी बात है, बाबा भी सोते थे, लेकिन उठने के लिए एक अलार्म भी तो होता है. उसमें एक साईं धुन का अलार्म अपने मोबाइल में फीड कर दी और उसमें स्नूज को डीएक्टिवेट कर दी. स्नूज यानी कुछ देर के लिए उसको सुसुप्त अवस्था में रखना, वो डीएक्टिवेट कर दी. गुस्सा आए तो साई 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 जपना शुरू कर देना. और गुस्सा परसों या पहले दिन की कथा में हमने जिक्र किया था, बाबा भी खूब गुस्सा किया करते थे लेकिन उनका गुस्सा किसी व्यक्ति पर नहीं होता था, उनका गुस्सा किसी की दुष्प्रवृत्तियों पर होता था. वो किसी को सुधारने के लिए गुस्सा किया करते थे और इसीलिए उनका गुस्सा सकारात्मक था. यदि आपका गुस्सा किसी को सुधारने के लिए है तो बेझलक बेधड़क बेझिझक आप जितना चाहे उतना गुस्सा करिए. और अगर आपको लगता है कि आपने गुस्सा करके गलती की है तो तुरंत अपने गुस्से के लिए दूसरे से क्षमा मांग लीजिए. और जब गलत गुस्से के लिए क्षमा मांगना शुरू हो जाएगी तो अपने आप फिजूल का गुस्सा होना कम हो जाएगा. भय के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि साई कथा साई की बातों का लीलाओं का श्रवण अभयत्व देता है. साई कभी किसी को डरने नहीं देते. उनकी रास्ते पर चलने वाले को डर का एहसास नहीं होता. डरने की जरूरत ही क्या है आपको? कोई डर की जरूरत है ही नहीं क्योंकि साईं साथ में है, हमेशा साथ में है, हर पल साथ में है. बिल्कुल चिंता मत करिए किसी बात की. अगर आपका मन सच्चा है तो इस पीठिका से मेरा यह वादा है कि आपका जीवन में कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. मन को अपने साफ रखिए बस, क्योंकि साईं को मैली गंदी जगह पर रहने का शौक ही नहीं, वो तो साफ सुथरी जगह पर रहते हैं. अपने मन को साफ और साईं के नाम पाती लिखते रहिए. अपना आकलन करिए, साईं हमेशा आपको सही राह बताएंगे.
क्यों डरता है बंदे साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे साई हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे हो घनी अंधियारी रात हो ओ, 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 घनी अंधियारी रात हो ना ही किसी का साथ हो। साई बन के साया तेरा नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। साई बन के साया तेरा नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। नहीं छोड़े छोड़ेंगे साथ तेरा। साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे साई। साई का नाम तू जपता चल हो, हो साई का नाम तू जपता चल। साई की बाहें तू पकड़े चल। साई जो रख दे सिर पर हाथ बन जाएगी बिगड़ी बात। साई जो रख दे सिर पर हाथ बन जाएगी बिगड़ी बात। बन जाए जाएगी बिगड़ी बात। साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे। दुख तकलीफ से मत घबरा ओ, 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 दुख तकलीफ से मत घबरा। साई के नाम से दुख को डरा। साई जो पकड़े हाथ तेरा
नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, साईं जो पकड़े हाथ तेरा नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, ओ नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ, साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, क्यों डरता है बंदे, साई हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साई हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी पल, दो पल की रात है, कटते कटते कट जाएगी पल, दो पल की रात है। साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई तेरे साथ है, साई हर पल 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 तेरे साथ है। और अंधेरा डराता है, बस मान के चलिए, दिन में डर नहीं लगता, अंधेरा डराता है। अंधेरा चाहे प्राकृतिक हो या हमारी आंखों पर डला हुआ कोई पर्दा हो, वो डराता है। पर्दे को हटाना होगा और पर्दे को जब हटाना हो तो ये याद रखना चाहिए कि एक दिन छोड़ के कि रोज 9 दिसंबर 1909 से शिरडी में बाबा ने रात में सोने का क्रम बदल दिया था। एक रात वो द्वारका माई में सोते थे और एक रात चावड़ी में सोते थे। ऐसा इतिहासकार इसलिए बताते हैं बाबा ने शुरू किया था क्योंकि द्वारका माई का फर्श इतना सुविधाजनक नहीं था कि जब कभी बिन मौसम बरसात हो जाए तो बाबा उस पर सो सके। तो इसीलिए कुछ भक्तों ने बाबा से निवेदन किया कि आप तो रात में चावड़ी में सोया करें। चावड़ी यानी विलेज मीटिंग हॉल, ग्राम सभा कक्ष, उसका फर्श पक्का था। लेकिन बाबा भी बड़े अनूठे, वो एक रात द्वारका माई में और एक रात चावड़ी में सोते। ऐसा प्रश्न मन में सहज उठता है कि बाबा ने ये लीला क्यों की, क्या जरूरत थी एक रात चावड़ी में सोने की और वापस आके दूसरी रात द्वारका माई में सोने की। द्वारका माई बाबा का कर्म क्षेत्र था, चावड़ी बाबा का धर्म क्षेत्र बन गई। इसकी पुष्टि होती है प्रोफेसर जीजी नारके, जो कि बापू साहेब बूटी के जवाई थे, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी इन जियोलॉजी किया था, गोल्ड मेडलिस्ट थे और बाबा को उन पर इतना स्नेह था कि जब बाबा चलने फिरने में थोड़े से कमजोर हो गए थे अपने आखिरी दिनों में तो प्रोफेसर जीजी नारके को वो अपनी तरफ से भिक्षा पर्यटन के लिए भेज देते। और प्रोफेसर जीजी नारके ने लिखा है कि मैं कई बार बाबा ने मुझे सूट पैंट और टाई में भिक्षा मांगने के लिए भेजा। प्रोफेसर जीजी नारके का कहना था कि बाबा ने उनको बताया है कि चावड़ी में रात में मैं अपने भक्तों की दुख तकलीफें दूर करता हूं और जिनकी मैं दुख तकलीफें दूर नहीं कर सकता, जिनका समय आ गया होता है, उन्हें मैं
आसानी से ले जा करके अपने मालिक अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में विलीन कर देता हूं। ये चावड़ी मेरा धर्म क्षेत्र है। द्वारका माई में बैठ करके मैं सबके मन की मुरादें पूरी करता हूं। चावड़ी में बैठ करके मैं इंसाफ करता हूं। द्वारका माई मेरी माई है, लेकिन मैं चावड़ी की गोदी में सुख पाता हूं। और बड़ा अद्भुत क्रम शुरू हो गया। एक दिन जब बाबा चावड़ी में सोने जाते थे तो धीरे 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 शिरडी में नया क्रम शुरू हो गया। जिस रात बाबा चावड़ी में सोने जाते उस रात को उस शाम से ही द्वारका माई में भजन शुरू हो जाते। पूरी द्वारका माई को फूलों से सजा दिया जाता था, चारों तरफ तोरण हार लटका दिए जाते। शिरडी की महिलाएं आकर के शाम से द्वारका माई में भजन कीर्तन करती, चारों तरफ बाबा के जय जयकार होती रहती। बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपने आसन पर बैठे हुए लोगों को आशीर्वाद देते रहते। कुछ देर में तात्या कोते पाटिल आ जाते, बाबा के लिए सुनहरा अंगरखा लेकर के आ जाते। बाहर बैंड बाजे, करताल की ध्वनि से पूरी शिरडी गुंजायमान हो रही होती थी। आतिशबाजी शुरू हो जाती थी बाहर से। लोग दूर दूर से इस चावड़ी की पालकी को देखने के लिए आते थे। चारों तरफ द्वारका माई में दिए सजा दिए जाते थे। तात्या कोते पाटिल आते, बाबा के लिए अंगरखा लेकर के आते। बाबा अपनी फटी हुई कफनी पर ही उस अंगरखे को पहन लेते थे। तात्या दोनों हाथ पकड़ करके बाबा को धीरे से उठाते। बाबा धीमे धीमे कदमों से बाहर आते, अपने दाहिने हाथ से द्वारका माई में रखे हुए सीढ़ियों पर रखे हुए दियों को बुझाते बुझाते बाबा नीचे उतरते। पूरी शिरडी नाचने लगती, चारों तरफ दुंदुभी बजने लगती। बाबा की जय जयकार से पूरा आसमान गूंज उठता। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। और बाबा की पालकी निकलना शुरू हो जाती चारों तरफ। लेके चलो, लेके चलो हो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो हो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। गांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, गांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, गांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, गांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो, लेके चलो हो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की। कट जाएगा ये तेरा प्यार रास्ता, हर एक पल जप करता चल तू साई के नाम का। आसानी से कट जाएगा प्यारे तेरा रास्ता,
साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ लेके चलो चलो रे चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ के लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के कांधा लगा के बोलो जय साई 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 नाथ के और द्वारका माई और चावड़ी के बीच में बिल्कुल बीचों बीच में एक हनुमान जी का मंदिर आता पूरी पालकी सब वहीं रुक जाते बाबा उस हनुमान मंदिर के ठीक सामने खड़े होकर के हनुमान जी से इशारों में कुछ बातें करते मुस्कुराते और फिर धीमे धीमे टक लेकर के आगे बढ़ जाते मुझके साथ जो हनुमान नहीं होते जो हनुमान नहीं होते राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते मालिक है वो सबसे बड़ा सब कुछ है वो देखता रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ मालिक है वो सबसे बड़ा सब कुछ है वो देखता रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ काहे का डरना हो 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 साथ तेरे बाबा फिर काहे का डरना साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ लेके चलो चलो रे चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ के कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ के पूरी शिरडी नाच रही है मालसापति नाच रहे हैं बाबा के पीछे छत्र लेकर के नाना साहब निमोड़ कर चल रहे हैं तात्या बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं बाबूजी शिंदे उनकी तरफ फूल उछाल करके फेंक रहे हैं चारों तरफ प्रकाश है उल्लास है वातावरण में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं बाबा की पालकी निकल रही है बंदे तेरा मजहब है क्या साई नहीं देखता उसके लिए सब एक है करता है सबका भला बंदे तेरा मजहब है क्या साई नहीं देखता उसके लिए सब एक है करता है सबका भला अरे साई साई करते तू साई का हो जा 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 साई साई करते तू साई का हो जा साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ साई नाथ लेके चलो 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 लेके चलो लेके चलो
लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ के, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के, कांधा लगा के बोलो जय साई 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 नाथ के, कांधा लगा के बोलो के बोलो जय साई नाथ के, आधा लगा के बोलो जय साई नाथ के, आधा लगा के बोलो जय साई नाथ के, आधा लगा के बोलो जय साई नाथ, आधा लगा के बोलो जय साई नाथ के, आधा लगा के बोलो जय साई नाथ के, आधा के जय साई नाथ के, जय साई नाथ के, जय साई नाथ, जय साई नाथ के, जय साई नाथ, जय साई नाथ के, जय साई नाथ के, जय साई नाथ, जय साई नाथ की, 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 जय साई नाथ, जय साई नाथ की, जय साई नाथ, कांधा लगा के बोलो, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ, कांधा लगा के बोलो जय साई नाथ की, कांधा लगा के बोलो। साईनाथ महाराज के, साईनाथ महाराज के, साईनाथ महाराज के। और खड़े रहने दीजिए साहब, जिनको खड़े रहना, आनंद लेने दीजिए उनका, आनंद है साईं का, आनंद है, बीच में नहीं बोलने का अपने को। बाबा चावड़ी में जाकर के बैठते, गद्दों का ढेर लगा रहता, सफेद चादरें बिछी होती, उसके ऊपर साई बैठ जाते, उनकी षोडश उपचार पूजा होती, तात्या कोते उनके लिए एक चिलम लगा करके आते, उनके मुख पर चिलम लगाई जाती, बाबा उसमें से कष्ट लेते, वो प्रथा आज भी जारी है, बाबा के चित्र पर चावड़ी में आज भी चिलम लगाते हैं हर गुरुवार को, और बाबा के उस चित्र से बकायदा तीन कश उठते हुए दिखते हैं। साईं आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, पग पग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमको आगे लेकर के जा रहे हैं। धीरे धीरे चावड़ी में सारी लालटेनों की रोशनी कम कर दी जाती, तात्या कोते बाबा को एक गुलाब का फूल देते और बाबा से इजाजत मांगते। जब तात्या जा रहे होते तो बाबा तात्या से कहते, तात्या रात में मेरा ख्याल रखते रहना, बीच में आ करके मुझे देखते रहना। और धीरे धीरे जब तात्या बाहर निकल जाते, चावड़ी की सारी लालटेनें बुझा दी जाती, द्वारका माई में तो बाबा के साथ तात्या और मालसा भी सोते थे, चावड़ी में बाबा बिल्कुल अकेले, जहां पर बैठ करके वो इंसाफ करते। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार, इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार, आओ कर लो जी भर के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार, आओ कर लो जी भर के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार, इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार, इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साई सरकार।
इस चावड़ी में आके सोन साई, सात बालकी के सब नर नारी। इस चावड़ी में आके सोन साई, सात बालकी के सब नर नारी। आज छाई है, आज छाई है मस्ती बहार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आज छाई है मस्ती बहार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। इस चावड़ी में इंसाफ होता, मैला मन यहाँ साफ होता। मेरे साई का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। मेरे साई का यह दरबार, चावड़ी में बैठे साई सरकार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साई के दीदार, साई करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, इस चावड़ी में साई सरकार। इस चावड़ी में किस्मत बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। इस चावड़ी में किस्मत बदलती, आई घात यहाँ सर से हटलती। मेरे साई है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। मेरे साईं है परवरदिगार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। आओ कर लो साईं के दीदार, साईं करते हैं सबसे प्यार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। इस चावड़ी के रंग हजार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार। चावड़ी में बैठे साईं सरकार, चावड़ी में बैठे साईं सरकार।
मस्ती और उल्लास के दिन। शिरडी मानो रोज साईं से जगती और साईं के साथ ही सोती। साईं का भिक्षा मांगने जाना, साईं का सबको प्यार भरी नजरों से देखना, साईं का सबके दुख दूर करना। पता ही नहीं चला कि शिरडी साईं बन गई या साईं शिरडी बन गए। दोनों को अलग अलग करके कभी देखा जाना अब संभव ही नहीं था। साईं की सांस चलती तो शिरडी की सांस चलती, साईं खांसते तो शिरडी चिंतित हो जाती। लेकिन वक्त अपनी गति से चलता है, नश्वर देह लेकर के जिस अवतार में साईं आए थे उस अवतार की भी एक अपनी तारीख थी। गिनती की सांसें थी, वो शरीर भी अब जर्जर हो चला था। हमने परसों बात की थी कि बाबा ने कैसे श्यामा और बापू साहेब बूटी को एक ही वक्त में एक जैसा स्वप्न दे करके एक वाड़े का निर्माण शुरू कराया। मेरे लिए एक वाड़ा बनवाओ, मैं इसमें शांति से रहूंगा, हम लोग इसमें साथ में मिलकर के खूब हंसेंगे खेलेंगे, यहीं से मैं सबके मन की इच्छाएं पूरी करूंगा। वाड़े का निर्माण शुरू हो गया था। 1916 का दशहरा, बाबा का उस दिन क्रम था चावड़ी में सोने जाने का। पूरी द्वारका माई को सजा दिया गया था, तोरणहार टंगे थे, दीप प्रज्वलित कर दिए गए थे। शिरडी गांव के सारे पुरुष गांव की सीमा तक गए थे, क्योंकि दशहरे को सीमोल्लंघन का त्योहार भी किया जाता है, कहा जाता है। इस दिन गांव के लोग दूसरे गांव की सीमा में पैर रखकर राम के लंका विजय का उत्सव मनाते हैं, सीमोल्लंघन का त्योहार। अचानक मस्जिद में बाबा अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और अपनी कफनी निकाल करके धूनी माई को समर्पित कर देते हैं। लो देख लो मुझे, मैं हिंदू हूं या मुसलमान। बाबा पूर्ण रूपेण दिगंबर धूनी के सामने खड़े हुए थे, उनकी कफनी की आहुति पाकर के धूनी और प्रज्वलित हो गई थी और उससे उठने वाली लपटों की कांति बाबा के चेहरे के सौंदर्य को बढ़ा रही थी। बाबा की आंखें लाल हो रही थी, बहुत गुस्से में थी, किसी की हिम्मत न थी कि वो बाबा के पास जाए भी। लोगों को लगने लगा कि आज शायद पालकी ना निकल पाएगी। तभी नीचे से भागोजी शिंदे ऊपर आता है और बाबा को एक नई कफनी पहना देता है। बाबा कहते हैं ये मेरा सीमोल्लंघन है। नई कफनी पहनने के बाद बाबा शांति से अपने आसन पर बैठ जाते हैं। बाबा की दहाड़ सुन करके शिरडी गांव के लोग जो पास वाले गांव तक गए थे दौड़ करके लौट आते हैं।
बाबा को शांत देख करके पालकी निकालने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। शिरडी गांव का रामचंद्र पाटिल, उसको कई दिनों से बुखार आ रहा था। कितनी भी दवाइयां कर ली, उसका बुखार उतर नहीं रहा था। बुखार में वो बेसुध अपनी शैया पर पड़ा हुआ, अवश्यंभावी सी लगने वाली मृत्यु का इंतजार कर रहा था। बेसुधी में ही वो देखता है कि साईं उसके सिरहाने पर पड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो आज से 2 साल बाद दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। ये सुनकर के वो घबरा करके अपनी आंखें खोल देता है, देखता है तो वहां बाबा तो नहीं थे, लेकिन वो पूरी तरह पसीने से तर बतर हो चुका था। पिछले 9 दिनों से भयंकर रूप से आ रहा उसका बुखार उतर गया था। उसने तुरंत अपने दोस्त लक्ष्मण बाला शिंपी को बुलाया और जो बाबा ने कहा था वो उसके साथ साझा किया। समय गुजरता गया, बाबा कृशकाय हो गए थे, भिक्षा मांगने भी ना जा पाते। कभी अपनी जगह वो काका साहब दीक्षित को भिक्षा मांगने भेज देते, कभी श्यामा को, तो कभी प्रोफेसर जी नारके को। सितंबर माह आया 1918, दासगणु महाराज ने महेश्वर के तट पर बैठकर श्री साईनाथ स्तवन मंजरी संपूर्ण की। इधर तात्या की तबीयत बिगड़ने लगी, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा, खांसता जाता, खेती पर जाना बंद कर चुका था। इधर बाबा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी, बाबा भी दिन भर खांसते, खड़े ना हो पाते। उन्होंने नीचे द्वारका माई में आंगन में आकर के प्रसाद और ऊदी बांटने का क्रम भी अपना तोड़ दिया था। वो अपने स्थान पर बैठ करके ही भक्तों को ऊदी और प्रसाद बांटा करते। एक और महीना गुजरा, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। कोपरगांव के बड़े बाबा के बेटे को बुला करके साईं ने कुछ रुपए और एक माला देकर के कहा कि अहमदनगर के बन्ने मियां फकीर के पास इसको दे करके आओ, उनसे कहना कि अल्लाह मियां 9 महीने के 9 दिन अपनी रोशनी को बजा देगा, और ये जो पैसे हैं उनसे कहना कि वो मेरा मौलू कर दे। मौलू याने मृत्यु भोज। बाबा अब अपने आसन पर उठ करके भी नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में उन्हें इच्छा हुई राम विजय सुनने की। श्रीमान वजे से बाबा ने कहा कि उन्हें राम विजय पढ़ करके सुनाई जाए। एक हफ्ता हो गया लगातार श्रीमान वजह ने राम विजय की एक आवृत्ति खत्म की। बाबा की इच्छा थी और सुनने की। श्रीमान वजह से उन्होंने फिर आग्रह किया और श्रीमान वजह
अब सिर्फ 3 दिन तक के उसको पढ़ पाए, क्योंकि वो भी पढ़ते पढ़ते थक चुके थे। दशहरे का दिन पास आता जा रहा था। रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला शिंपी की धड़कनें तेज होने लगी कि दशहरे के दिन तो तात्या अपने प्राण त्याग देगा। इधर बाबा और उधर तात्या, लोगों को लगने लगा कि बाबा की समाधि का समय भी नजदीक आ रहा है। दशहरे का दिन, दोपहर की आरती खत्म हुई। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार। बाबा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो आरती के दौरान अपनी आंखें खुली रख सके। अध खुली आंखों में बाबा की आरती हुई। बाबा की हालत देख करके नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित, सभी लोग वहीं पर बाबा के पास रुकना चाहते थे, लेकिन बाबा ने सबको वहां से जाने को कह दिया। फिर भी कुछ लोग जो जिद करके वहां पर रुक गए, उनमें भागोजी शिंदे, वो कोढ़ी जिसने बाबा के हाथ, जले हुए हाथ पर रोज घी मलने का काम किया। 1910 धनतेरस के दिन जब बाबा का हाथ जला था, वो भागोजी शिंदे। बाबा का हाथ तो कब का ठीक हो गया था, लेकिन बाबा की समाधि तक भागोजी शिंदे रोज बाबा के हाथ पर घी मलता था। कोढ़ छूने से नहीं फैलता। लक्ष्मीबाई शिंदे, चंद्राबाई बोरकर, नाना साहब निमोणकर, बयाजी अप्पा कोते और नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर श्यामा, ये 6 लोग कुल दोपहर की आरती के बाद बाबा के कहने के बावजूद मस्जिद में ही रुक गए। बाबा जैसे तैसे अपने आप को सहारा देकर के अपने आसन पर बैठे और लक्ष्मीबाई शिंदे को बुलाया अपने पास। अपनी जेब में से उन्होंने पहले 5 और बाद में 4 सिक्के निकाल करके लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए। ये ले लक्ष्मी, तूने अपने साईं की बड़ी सेवा की है। ये साईं तेरा ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन ले ये सिक्के रख ले, ये सिक्के तुझे तेरे साईं की याद दिलाते रहेंगे। लक्ष्मीबाई, बाईजाबाई के बाद और राधा कृष्ण माई के बाद वो महिला थी जिसने बाबा को उनके लिए भोजन बनाने का कार्य किया। ये हुआ और बाबा बयाजी कोते पाटिल की बाहों में झूल गए। बाबा कहते हैं, मुझे यहां से ले चलो, मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। ये कहकर बाबा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बयाजी ने आवाज दी नाना साहब निमोणकर को। नाना साहब दौड़ करके पानी लेकर के आए, बाबा के मुंह में पानी डाला, उनके मुंह से पानी एक तरफ निकल गया, नाना साहब के मुख से निकला देवा। बाबा समाधि ले चुके थे।
वो साई जो जिससे शिरडी चलती थी, वो साई आ नहीं था। वो साई जो शिरडी की जान था वहां पर नहीं था। खबर फैल गई चारों तरफ, जो जहां था वहीं पर सर पकड़ के बैठ गया। हमारा देव कहां चला गया, हमारा साई कहां चला गया। देवा तुम्हें कुठी गेले, क्यों चला गया साई। मानो शिरडी में पंछियों ने चहकना बंद कर दिया हो, शिरडी की गति रुक गई थी। सब स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि साई कभी चले भी जाएंगे। साई के बिना शिरडी कैसी हो, कोई सोच भी ना सकता। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सबका सहारा छिन गया। लेकिन साई अपना वादा निभा रहे थे अभी भी। मेरी अस्थियां मेरी समाधि से तुम्हारे अंदर आशा और विश्वास का संचार करेंगी। ये तुम्हारे साथ हंसेंगी, बोलेंगी, तुमसे बात करेंगी, तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगी। साईं के शरीर से प्राण तो चले गए थे, लेकिन उनके चमत्कार बदस्तूर जारी थे। यहां साई ने समाधि ली और लोगों को पहला चमत्कार देखने को मिला कि जो तात्या मरणासन अवस्था में था वो जी उठा था। लोगों ने कहा कि साई ने बाई जमाए के भोजन का ऋण चुकता कर दिया तात्या की जान बचा करके। पंडरपुर में दासगणु महाराज को स्वप्न हुआ कि मस्जिद भरभरा करके गिर पड़ी है और साईं उनसे कह रहे हैं कि आओ आकर के मुझ पर फूल चढ़ाओ। श्यामा के मामा लक्ष्मण जोशी को बाबा ने स्वप्न दिया कि जोग तो जानता है, जोग तो समझता है कि मैं मर गया, इसीलिए वो मेरी आरती नहीं करेगा। तुम जाओ और मेरी आरती करो। दूसरे दिन सवेरे काकड़ आरती के वक्त बाबा की देह जहां पर रखी थी उसके मुख पर से सफेद कपड़ा हटा करके लक्ष्मण जोशी ने बाबा की काकड़ आरती करी, वैसे ही जैसे उनके सशरीर रहते होती थी। आखिरी स्नान के समय बाबा का शरीर अकड़ा नहीं था, उनकी कफनी बिना फाड़े ही निकाल करके दूसरी कफनी उनको पहनाई गई। लोगों में मतभेद हो गया कि दाह संस्कार किया जाए या दफनाया जाए। शिरडी गांव के प्रशासन ने मत विभाजन करवाया, ये तय पाया गया कि बाबा को समाधि दी जाए। दूसरे दिन बुधवार को शाम के समय बाबा की अंतिम यात्रा निकाली गई।
द्वारका माई से सब लोग अपने प्यारे साईं को अपने कंधों पर उठा करके उसी वाड़े में ले जा रहे थे जहां पर रहने की उसने इच्छा जाहिर की थी। उस वाड़े में जहां कृष्ण का मंदिर बनना था उसी चबूतरे पर बाबा को समाधि दे दी गई। उनके साथ उनकी एक टोपी, एक जोड़ी सुई धागा, वो ईंट जिसे बाबा अपनी जान मानते थे और जो उनके नौकर माधव फासले से टूट करके दो टुकड़ों में हो गई थी और जिसके टूटने पर बाबा ने कहा था मेरा तो भाग्य ही चला गया, अब मैं जी करके क्या करूंगा, वो ईंट सोने के तार में बांध करके उनका सटका साथ में रख करके बाबा को समाधि दे दी गई। बाबा बन गए मुरलीधर और वो बूटीवाड़ा बन गया समाधि मंदिर। वो साईं उस समाधि में पहुंच गया जहां से वो आज अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करता है। आज भी वो समाधि हमें साईं के जीवित होने का प्रमाण देती है। वहां जाकर के हर मुराद पूरी होती है। वहां पर सिर रख करके मन को शांति मिलती है। वहां पर हर कोई अपनी झोलियां भर करके लौटता है। साई के चमत्कार उनके शरीर न होने पर भी जारी है। तब साई सदेह थे, अब साई सदैव है। उनके जीवन काल में दिए हुए उनके 11 वचन आज भी हमें साईं की याद दिलाते हैं, उनकी सत्यता की परख आज भी होती है। साईं का दिया हुआ एक भी वचन आज तक झूठ नहीं हुआ। आइए हम सब मिलकर के बाबा के वो 11 वचन दोहरा करके इस कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम साई राम मेरे साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा
जो शिरडी में आएगा अवध दूर भगाए चढ़ समाधि की सीढ़ी पर तले दुख की पीढ़ी कर चढ़ समाधि की सीढ़ी पर तले दुख की पीढ़ी कर चढ़ समाधि की सीढ़ी पर तले दुख की पीढ़ी कर चढ़ समाधि की सीढ़ी पर तले दुख की पीढ़ी कर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा मन में रखना दृढ़ विश्वास कर समाधि पूरी आस मन में रखना दृढ़ विश्वास कर समाधि पूरी आस मन में रखना दृढ़ विश्वास कर समाधि पूरी आस मन में रखना दृढ़ विश्वास कर समाधि पूरी आ मुझे सदा जीवित ही जाना अनुभव करो सत्य पहचानो मुझे सदा जीवित ही जाना अनुभव करो सत्य पहचानो मुझे सदा जीवित ही जाना अनुभव करो सत्य पहचानो मुझे सदा जीवित ही जाना अनुभव करो सत्य मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन मेरा झूठा होगा असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर असहाय तलो भरपूर जो मांगा नहीं है दूर मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न साई राम साई राम मेरे साई राम साई राम साई राम मेरे साई मेरे साई राम जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया चलता था मैं साईं ने थाम लिया लड़खड़ा के चलता था मैं साईं ने थाम लिया मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया मुश्किलें आसान हुई साई का नाम लिया मेरी मुश्किलें आसा हुई जो साई का नाम लिया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया साई तेरे संग से जीवन संभल गया साई तेरे संग से जीवन संवर गया
के जलता था मैं साई ने नाम दिया। फिर भी माँ के जलता था मैं साई ने नाम दिया। बिन मकसद के जीवन मेरा साई ने काम दिया। बिन मकसद के जीवन मेरा साई ने काम दिया। मुश्किलें आसा हुई का ध्यान किया। मेरी मुश्किल आसा हुई जो साई का ध्यान किया। साई तेरे संग से जीवन संभल गया। साई तेरे संग से जीवन संवर गया। साई तेरे संग से जीवन संभल गया। साई तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया। ऐसा रंगा साई ने मेरा रंग बदल गया। साई तेरे संग से जीवन संभल गया। साई तेरे संग से जीवन संवर 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 गया। तेरे संग से जीवन संवर गया। साई तेरे संग से जीवन संवर गया। साई तेरे संग से जीवन संवर गया। इस कथा में और हमेशा साई हमारे साथ ही रहते हैं। साई को भाव की जरूरत है सिर्फ, और वो आ जाते हैं। ये विश्वास मन में हमेशा रखना कि साई सदा साथ हैं। कौन कहता है साईनाथ आते नहीं। 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 इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साई मेरे आते नहीं। कहता है साई मेरे आते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। दालिन लुटांगण बंदीन चरण मडोड़िया निपाहीन रूपम तुझे प्रेमैया लिंगिन आनंद पूजिन भावे युवालिन मणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव मणिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भला
भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो, भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः, 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 सद्गुरु साई नमो नमः। कहता है साईं मेरे आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को खूब बाबा का प्यार और आशीर्वाद पहुंचे। हम सबके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, साईं सदा हमारे साथ हैं ये विश्वास रखना। जब भी ऐसा लगे कि मन टूट रहा है तो सिर्फ इसको याद रखना कि बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। ये कथा आज विराम लेती है क्योंकि कथा कभी न शुरू की जा सकती है न खत्म होती है। कथा सिर्फ विराम लेती है जहां से ये अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ेगी। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। आए तेरे संग से जीवन संभल गया, साई तेरे संग से जीवन संवर गया, साई तेरे संग से जीवन संभल गया, साई तेरे संग से जीवन सबर गया। ऐसा रंगा साईं में